आज तारीख है 8 मार्च और अभी सुबह के 7:30 बज रही है और ये पीछे मेरे हॉस्टल का डॉर्म का गेट है। पहले बस तैयार हो ही रहा है, मैं तैयार हो चुका हूँ और बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। आज आखिरी दिन है अपना दनांग में और दनांग से अभी जा रहे हैं हनोई। आज दिन भर हनोई में रहना है, उसके बाद हनोई से रात की फ्लाइट है हमारी। अभी सब बैग वैग पैक कर लिए हैं, अभी कैब बुक करेंगे जो है। आज 6-7 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुँचते हैं फिर आपको बताते हैं। चलो भाई ठीक है, चलो भाई घर लौट चलें। अभी बहुत हो गया। ये अपने हॉस्टल की सीढ़ियाँ हैं, ये दनांग में कुछ आखिरी पल। काफ़ी सही हॉस्टल था ये, मतलब यहाँ पे हमने खाना भी बनाया, पानी भी यहाँ पे फ्री में था। बाय बाय। और ये हॉस्टल से बाहर आ चुके हैं अभी। कर दिए और इंतजार कर रहे हैं हम लोग। 70,000 की ग्रैब है और थोड़ी जगह दिखाता हूँ आपको। ये दो जगह इधर पीछे, यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए आते थे रोज 2-3 दिन से। यही है नंबर, देख लो शायद से यही ग्रैब है अपनी। पहुंच गए यहाँ के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे दनांग के और अभी अपने को निकलना है हनोई के लिए। 10 बजे की फ्लाइट है हमारी, तब तक अभी थोड़ा टाइम पास करेंगे यहाँ पे। टाइम क्या हो रहा है अभी? 8 बज रहे। 8 बज रही अभी, तो 1 घंटा टाइम पास करने के लिए, फिर बोर्डिंग वोडिंग होगी। ये हम लोग भाई पहुँच गए अभी एयरपोर्ट में, थोड़ी देर बाहर जाम वाम खा रहे थे। फिर हमने सोचा कि लगेज चेक इन करके बोर्डिंग पास ले लेते हैं ताकि बैग लेके ना घूमना पड़े। और यह है वियतनाम की डोमेस्टिक एयरलाइन बैम्बू एयरवेज, जिसके टिकट हमने skyscanner.com से बुक किए थे। तो भाई हमारा चेक इन हो गया है, बोर्डिंग पास मिल गया है और अभी 1 घंटा बाकी है। 9:30 बजे हमारी बोर्डिंग चालू होगी, तब तक ऐसे ही एयरपोर्ट पर टाइम पास कर रहे हैं। और एयरपोर्ट दिखाते हैं आपको थोड़ा सा ही है, छोटा एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक का टर्मिनल है ये। आप दनांग से भी डायरेक्ट इंडिया जा सकते हैं, यहाँ भी इंटरनेशनल टर्मिनल है, बट हमारे टिकट्स ऑलरेडी बुकड हैं इसलिए हम लोग हनोई जा रहे हैं। सिक्योरिटी चेक हो गया है हमारा और अभी आके बैठे हैं, आधा घंटा बाकी है चलने के लिए।
बस ये जगह है एयरपोर्ट के अंदर, ये दनांग का डोमेस्टिक टर्मिनल है। तरंग भाई फ़ोन चला रहा है अभी। फाइनली अभी बोर्डिंग चालू हुई भाई और काफ़ी लंबी लाइन लगी है। 2 मिनट पहले हम लोग पीछे ही बैठे थे और एकदम से सब लोग की लाइन लग गई है। फाइनली भाई दनांग छोड़ रहे हैं हम लोग, दनांग से हनोई जा रहे हैं। हनोई में रात तक रुकना है, एयरपोर्ट पे रात तक टाइम पास करना है। 12 घंटे से ऊपर भाई, मतलब आज रात 3 बजे, मतलब कल रात 3 बजे से हमारी फ्लाइट है। पहली बार आगे की सीट मिली अपने को, हमेशा पीछे पीछे की मिलती थी। जीवन में पहली बार आगे, हाँ जीवन में, वो भी साथ में। कितनी फ्लाइट ली है अपन ने इसके पहले, लेकिन आगे की पहली बार मिली है। फ्लाइट तो अच्छी है ऐसे। पहुंच गए हम लोग, दरवाजा खुलने की देर है। अभी हम लोग आगे ही बैठे हैं तो पहली बार भाई खड़े हो गए, वरना हम खड़े नहीं होते ऐसे। हाँ एंड में ही चलते हैं, एंड में बैठते हैं, एंड में पीछे वाले से भी नहीं आगे से ही जाते हैं। पानी भी मिला था भाई। फाइनली 5 मिनट खड़े रहने के बाद दरवाजा खुल गया था और अब हम जा रहे हैं टर्मिनल तक पहुंचाने वाली ट्रांसफर बस में। उतर चुके हैं हनोई के एयरपोर्ट पर। अब जाके हमको ऐसा फील हुआ था कि 30 दिन की एयर ट्रिप अब खत्म हो रही है। वियतनाम की एक डोमेस्टिक एयरलाइन में एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। एंड बाय द वे ये था वो प्लेन जिसमें हम दनांग से हनोई आए हैं, और यह है हनोई एयरपोर्ट टर्मिनल तक ले जाने वाली ट्रांसफर बस। अब यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो जाएगी इसलिए मिलते हैं सीधे टर्मिनल पर। ये वाला डोमेस्टिक अराइवल बहुत ही छोटा है, यहाँ सिर्फ 2 ही लगेज बेल्ट हैं। फाइनली हम लोग उतर गए भाई हनोई पे। अभी कितने घंटे टाइम पास करने हैं अपने को? 12 घंटे प्लस। हाँ रात के 3 बजे तक। अभी कितना बजे? रात के 3 बजे तक, 11:30 हो रही होगी। 11:30 3 बजे तक टाइम पास करना है रात के। बस टाइम पास दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत। अभी बैग उठाने के लिए इंतज़ार चल रहा है। अभी एयरपोर्ट से बाहर आ गए, अभी इंटरनेशनल टर्मिनल पे जा रहे हैं, इधर से बाहर से जाना पड़ेगा। ये काफी भीड़ है यार बाहर तो, गर्मी। हनोई के डोमेस्टिक टर्मिनल से इंटरनेशनल टर्मिनल तक जाने के लिए फ्री शटल बस चलती है जो आपको एग्जैक्टली इसी जगह से मिलेगी। एयरपोर्ट से निकलने के बाद अभी ये फ्री शटल बस में बैठे हम लोग इंटरनेशनल टर्मिनल पर जाने के लिए। थोड़ा सा ही दूर है पर ये अच्छा है। फ्री शटल बस भी चलती है यहाँ से, इलेक्ट्रिक कार चलती है जो पैसे लेगी। थोड़ी देर रुकोगे तो इलेक्ट्रिक कार के बजाय शटल बस में जा सकते हो।
और हमारे बैग का वजन भी बढ़ गया इसलिए, वरना तो चल के चले जाते। बस कुछ नहीं यार, देखो यार कोरोना की वजह से फॉर्म भर रहे हैं, NNE हाँ, भारत सरकार की तरफ से ये फॉर्म मिला है, भारत सरकार को सुप्रीम भेंट। हाँ तो पता, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं हो तो नो नो, वैसे तो कुछ हुआ नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये कि सब लोग घर चले जाएंगे, उसके बाद फ्लाइट में अगर किसी को पकड़ दिया तब प्रॉब्लम वही है, वही है वो बाद में मालूम पड़ा। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, एवरीवन वो गो टू होम, इफ 1% इज अटैक इन द फ्लाइट सबके घर को आएंगे। तो बस यही है, अभी उधर जाके क्या होगा वो बताएंगे आपको बाद में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हम लोग सिक्योरिटी चेक के बाद अभी बैठे हैं हनोई के अंदर। अभी हमारे एक घंटे में फ्लाइट है सीधा कोलकाता तक, सुबह से 11 बजे से। हाँ हम तो कल सुबह, हाँ 11 बजे से बैठे हैं, कोई बात नहीं, एयरपोर्ट पूरा देखना ये और डोमेस्टिक। हाँ डोमेस्टिक तक ये भाई चल के गया था, पूरा पूरा देख लिया, एक एक फ्लोर एक एक कोना। और ये भाई कोरोना वायरस के वजह से ये अभी हेल्थ क्लियरेंस फॉर्म क्या बोलते हैं इसको, जो भी है ये फॉर्म भरना था और भर लिया है, लग गया। और बहुत सारी सिटीज़ के नाम लिखे हमने जहाँ जहाँ होकर, हाँ एक महीना घूमे, तो अभी देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। अभी तो बस बाकी तो वहाँ पहुँच के बताएंगे, बाकी है वहाँ पहुँच के बताते हैं, फ्लाइट वाइट का भी थोड़ा बहुत दिखा देंगे। टाइम बहुत लग गया पर हाँ कोई नहीं, अभी देखते हैं। क्या है तू तो गेम खेल रहा था साले, एक क्या गेम खेल रहा है, अरे फॉर्म तो भरा ना। बोर्डिंग चालू हो गई है भाई, कैसा लग रहा है? ठीक है आपको? बहुत सही, थैंक यू। फाइनली बोर्डिंग चालू हो गई है भाई, ए क्या कर रहा, चल अभी चल के जा रहे हैं। पहले घर वापसी, फाइनली भाई 30 दिन बाद, एक महीने बाद नहीं 30 दिन बाद, सेम शिट। पहले आए थे, पहले जा रहे हैं। हाँ ये हुई ना बात, सुमसान एयरपोर्ट है पूरा। हाँ यार मतलब ये पैसेंजर भी मेरे ख्याल से 30-35 पैसेंजर होंगे टोटल। इंडिगो वालों इधर आ जाओ यार, थोड़ा काम वाम रहता है इधर, ऑफिस खोल लो यार इधर। हाँ यार मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं था यार, कोरोना के बाद खोल लो, अपना टाइम लो लेकिन खोलो। मिलेंगे कलकत्ता में, फाइनली आ गए भाई कलकत्ता में। पहले घुसे थे पहले निकले, पहली बार पहले इन, सबसे पहले आउट, देखते हैं कलकत्ता का माहौल कैसा है एयरपोर्ट का। अभी ये फॉर्म देना है यार, सबसे पहले आ जाओ इसको चाहिए, बाकी सब ठीक ठाक है।
अपना जियो ने ग्रैंड वापसी कर ली है। हाँ यार, बाकी सब बातें बाद में, इमिग्रेशन करते हैं भाई। सबसे पहले इमिग्रेशन ख़त्म करके मैं आ गया हूँ नीचे, और अभी बेल्ट पे सामान भी नहीं आया है। पहली बार इतनी जल्दी आया हूँ, फर्स्ट बाहर निकले थे और फर्स्ट इधर आ गए। तरंग पे भी आने में ही होगा। हाँ तो फाइनली भाई 30 दिन की ट्रिप अपनी ख़त्म हो गई है। वियतनाम से वापस आ गए हैं इंडिया, और फ्लाइट में अभी नींद हुई नहीं थी तो अभी शायद सोएंगे। खाना भी खाना है, कल से कुछ ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है तो अभी देखते हैं। पर उसी के साथ अभी वियतनाम का सफ़र अभी ख़त्म, और काफ़ी अच्छा रहेगा 30 दिन का सफ़र। क्या बात है, तरंग भी आ गया। अरे बिल्ली बिल्ली, अरे क्या हुआ? हाँ इसी में आएगा 15। वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको मेरा काम पसंद आया तो आप patreon.com/parag पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।